पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भिवंडी में जितने भी जॉब फेयर होते हैं वो जॉब फेयर नहीं जॉब ड्राइव होते हैं, क्योंकि एक कंपनी दो कंपनी या तीन कंपनी बहुत 90% 99% तो वेयर हाउस ही आते हैं, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील मिंत्रा अमेजोन। मगर इसके अंदर जो हमने जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है, जो शोएब गुड्डू साहब के नेतृत्व में ये जॉब फेयर हो रहा है, इसके अंदर भिवंडी में जितनी भी बैंकिंग है, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ऐसी बैंक इधर आके इंटरव्यू ले रही है और कैंडिडेट को सिलेक्ट कर रही है और लेके इंटरव्यू का फाइनल राउंड मतलब डॉक्यूमेंटेशन उनके ऑफिस में होता है। और साथ ही साथ BPO कुछ आए हैं, BPO जैसे यूरेका करके कंपनी है, टेली परफॉर्मेंस है, रिलायबल है, गो अशोर है, ऐसी सब कंपनी आई है BPO के लिहाज से। हमारे पास टाटा मोटर्स करके कंपनी है, टाटा मोटर्स जिसमें फ्रंट ऑफिस में जॉब रहेगा। और एक्सिस बैंक सैलरी रेंज जो है इधर 18 से 25 हज़ार का रेंज है सैलरी का। ये शोएब गुड्डू साहब के नेतृत्व में ये जो ये प्रोग्राम हो रहा है, इंशाल्लाह मैं जैसे गुड्डू भाई बोले हैं कि हर महीने ऐसा प्रोग्राम करेंगे, तो मैं यही चाहूँगा जिस तरीके से बेरोज़गारी है और नरेंद्र मोदी साहब बोले अच्छे दिन आएंगे, मगर अच्छे दिन लाए आए नहीं। और शोएब गुड्डू साहब के माध्यम से ये जो जॉब फेयर हो रहा है इसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलने का उनके घरों में अच्छे दिन आएंगे। और साथ ही साथ मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये एक दिन का जॉब फेयर नहीं है, एक दिन में कोई किसी को जॉब नहीं लगा सकता है, इसके अंदर मेहनत करना पड़ता है। एक दिन अगर एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन मेहनत करना पड़ता है। साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि गुड्डू भाई का जब ऑफिस खुलने वाला कोणार्क ऑफिस, उसमें साल के 365 दिन हर बेरोज़गार को रोज़गार उधर से मिलेगा और हर महीने हम लोग एक प्रोग्राम राष्ट्रवादी के बैनर के तले रखने वाले भिवंडी। देखिए, सबसे पहले मैं शरद पवार साहब का धन्यवाद कहता हूँ, जितेंद्र अवार्ड साहब का धन्यवाद कहता हूँ। उनके आदेश से हमको ये कहा गया है कि आज पूरे देश के अंदर नौजवान बेरोज़गार है, इसलिए अपने अपने शहरों में आप लोग जॉब फेयर लगाइए। तो उसको हिसाब से आज भिवंडी शहर राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने आज जॉब फेयर लगाया, जिसको ऑर्गेनाइज हमने किया है भिवंडी राष्ट्रवादी पार्टी, और इसके मैनेज जो पूरा संभाला है इमाम अंसारी साहब ने किया है। और आज इस पूरे आप लोग देख ही रहे हैं देश के हालात क्या चल रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दूंगा, 2 करोड़ रोज़गार तो छोड़ दीजिए, आज ये हालत हो गई है नौजवान बच्चों की। जब उनसे बोला गया तो वो कहते हैं कि उनको बोलो पकौड़ा तले, मतलब तो एक प्रधानमंत्री किसी की ऐसी बात करता है तो बहुत शर्म की बात है। मैं चाहता हूं कि हर शहर में ऐसे जॉब फेयर लगे और जो भी हमारे नौजवान बच्चे हैं वो उनको नौकरियां मिले।